आज है संडे। संडे मतलब फंडे, फंडे तो नहीं है लेकिन संडे का मतलब हमारे लिए होता है मस्ती और लेजी सा डे होता है। काफ़ी ज़्यादा मज़े से उठते हैं, मज़े से काम करते हैं क्योंकि किसी को बाहर नहीं जाना है, तो इसलिए जितना मर्जी लेट करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है, तो संडे का मतलब हमारे यहाँ पे होता है राजमा चावल। यहाँ पे घर घर में ना राजमा चावल तो बनते ही बनते हैं, और बस हम लोग इतने जल्दी राजमा नहीं बनाते हैं। महीने में एक बार राजमा बना देते हैं या फिर नीचे जो है मैक्सिमम राजमा ही बनते हैं हर हफ्ते। कभी कभी हफ्ते में दो बार भी राजमा चावल बन जाते हैं। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है राजमा चावल, तो हम नीचे से ही ले आ देते हैं। एक कटोरी होगा तो हमारे लिए काफ़ी होता है। हमें राजमा उतने ज़्यादा पसंद नहीं है कि हम उनको इतनी जल्दी जल्दी बनाएं, तो हम महीने में एक बार ऐसा होता है कि हम राजमा चावल बनाते हैं। तो आज सुबह सुबह उठते ही मन कर गया कि राजमा चावल बनाएंगे, तो आज खाएंगे गर्मा गर्म राजमा चावल। तो फिलहाल चलते हैं, थोड़ा सा सेटअप करना है बाहर। काम सारा फिनिश हो गया, डेली वर्क जो भी होता है रूटीन वर्क वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बस थोड़ा सा लिविंग रूम जो है उसको थोड़ा सा सेट करना है क्योंकि ये लोग सुबह सुबह बैठ गए वहाँ पे। और आज का हमारा प्लान है, आज हम मूवी देखेंगे, भुज मूवी जो है वो देखेंगे। तो मैं बड़ी देर से सोच रही जब वो मूवी आएगी तो मैं उसको देखूँगी। तो आज संडे है और आज कोई काम भी नहीं है ज़्यादा करने को, तो बस वो देखेंगे। तो बाहर की हालत कुछ इस तरीके की है, इसको सेट करती हूँ। उससे पहले किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे चढ़ाए हैं हमने राजमा और इनको चेक करेंगे अभी, ये बॉयल नहीं हुए होंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी जो है वो लगाएंगे और उसके बाद ही सेट हो जाएंगे। यहाँ पे सारे बर्तन धुल के रख दिए हैं, उसके बाद भी बर्तन हो चुके हैं सिंक में। और ये भिंडी जो है ये भाभी ने लाई है, वो मायके गए थे वहाँ से, घर की भिंडी है ये, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगी। इसको धुल के रख दिया है। यहाँ पे कुछ कुकुम्बर्स और ग्रीन चिलीज और टमाटो भी लाए थे, वो सब भी धुल के रख दिया है। तो फिलहाल जो है राजमा को चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग तैयारी करते हैं अपने राजमा को तड़का लगाने की। यहाँ पे ऑयल मैंने डाल दिया है, ऑयल जैसे ही स्मोक हो जाएगा अच्छे से गर्म हो जाएगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, उसको काफ़ी अच्छे से गर्म करना पड़ता है। और इसके बाद जब उसका कच्चापन दूर हो जाए तो बस इतनी देर तक हमें उसको पकाना होता है। यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं थोड़े से जीरा, क्यूमिन सीड्स, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हींग। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी पक जाएंगी उसके बाद यहाँ पर चॉप्ड जो अनियंस हैं वो ऐड कर दिए हैं।
ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि आप सोच रहे होंगे ये मसाला कुछ ज़्यादा तो नहीं है, तो यहाँ पे प्याज इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं दो सब्जियों का मसाला यहाँ पे एक साथ भूनने वाली हूँ और फिर इनको डिवाइड करके आधा जो है वो पनीर के लिए यूज़ कर दूँगी और आधा जो है वो राजमा के लिए यूज़ कर दूँगी। इस तरीके से हमारा जो है टाइम भी बच जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा सेव हो जाता है। और दो सब्जियाँ एक साथ से आपकी दो तीन, आप जितनी भी सब्जियाँ चाहे उतनी सब्जियाँ आप जो है झटपट से ईजिली जो है वो बना सकते हैं, आपका काम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे हमने ऐड किए हैं ग्रीन चिलीज़, ये बिल्कुल भी तीखी वाली चिलीज़ नहीं है। आप चाहें तो जितनी मर्जी चिली जो है दो से तीन, जितनी आप खाना पसंद करते हैं तीखा, उस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी हमें अनियंस को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने तक भूनना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जैसे ही हमारे अनियंस जो है बिल्कुल अच्छे से डन हो चुके हैं, तो ऐड किए हैं मैं यहाँ पे मैंने चॉप्ड टमाटोज़ और अदरक लहसुन का पेस्ट इससे पहले ऐड किया था। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से भूनना है। और जैसे ही हमारा ये मसाला अच्छे से भूनना शुरू हो जाएगा, ऐड करेंगे इसमें अपने ड्राई मसाले। तो ड्राई मसालों में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि राजमा बॉयल करते टाइम भी मैंने उसमें नमक ऐड किया था। तो बिल्कुल ध्यान से नमक डालिएगा और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूँगी होममेड राजमा मसाला, जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा इसको। और थोड़ा ऐड किया है यहाँ पे गरम मसाला। तो बस इतनी ही चीज़ें जो हैं इसमें जाएंगी, इससे ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया है। और राजमा एकदम बढ़िया वाले जो आपके राजमा हैं वो बन के हो जाते हैं तैयार। और अभी यहाँ पे इस मसाला को, क्योंकि मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको पकने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और संडे को तो टाइम की बिल्कुल भी कमी जो है वो नहीं होती है, बहुत सारा टाइम होता है। आप जितना मर्ज़ी टाइम लेके अपनी चीज़ें जो हैं वो रेडी कर सकते हैं पूरे वीक के लिए भी, और बस इसीलिए तो संडे होता है। और यहाँ पर मसाले को हमने शिफ्ट कर दिया है दूसरे वाले फ्लेम पर। इस वाले फ्लेम पर अभी मैं बनाने वाली हूँ जीरा राइस। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जिस बर्तन में हमें राइस बनाने हैं वो ले लेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसमें जीरे को स्प्लटर होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही वो अच्छे से स्प्लटर हो जाएगा उसके बाद अपने भीगे हुए चावल जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। एक दो मिनट उनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद पानी जो है वो डाल देंगे। और मैं यहाँ पर पानी निकाल के जो चावल बनते हैं उस तरीके से चावल बना रही हूँ। कुछ लोग इसमें जितना पानी चाहिए होता है उतना पानी ऐड करके ढक्कन लगा के भी इन चावलों को पकाते हैं, और पानी इसके अंदर ही पूरा पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा आपका। तो उस तरीके से भी बनाते हैं, मैं कभी उस तरीके से बनाती हूँ कभी मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो आज मैं इसी तरीके से बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर दोनों काम जो हैं साइड बाई साइड हो जाएंगे। अभी यहाँ
यहाँ पे जैसे ही हमारा मसाला जो है वो अच्छे से डन हो जाएगा तो उसके बाद हमें राजमा इसमें ऐड करने हैं, और राजमा को भी हमें थोड़ी देर फ्राई करना होता है इस मसाले में। उससे आपके राजमा का टेस्ट जो है सुपर से भी सुपर आएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, राजमा और जो उसकी जो उसमें पानी हमने बॉईल करने के लिए ऐड किया होता है वो दोनों चीज़ें एक साथ ही ऐड कर देते हैं मसाला में, राजमा को मतलब फ्राई नहीं करते हैं, तो उससे आपके राजमा का जो टेस्ट है वो निखर के नहीं आता है। अगर आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर टेस्ट में डिफरेंस खुद महसूस कर पाएंगे जब आप इस तरीके से राजमा बनाएंगे। तो बस यहाँ पे कुछ देर राजमा को फ्राई करने के बाद हम जो पानी है राजमा का वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इसके बाद मैं इसको करवाती हूँ विसल, 2 से 3 विसल्स इसको और करवाऊँगी, और इससे राजमा और उसकी ग्रेवी जो है काफ़ी ज़्यादा थिक बनती है और अच्छे से जो राजमा है वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ, मतलब इसकी ग्रेवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो फिलहाल मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे दूसरी रेसिपी जो है वो बनाने वाली हूँ मैं मसाला पनीर। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स कट करके, चाहे तो आप बिना फ्राई किया हुआ पनीर भी इसमें ऐड कर सकते हो और चाहे तो आप फ्राई करके भी ऐड कर सकते हो, जैसा आपको पसंद आता है आप उस तरीके से ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर बिना फ्राई किया हुआ पनीर यूज़ करूँगी, हमारे घर में वही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इस मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करूँगी, और क्योंकि बिल्कुल ड्राई ड्राई मसाला होगा तो अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ा सा ग्रेवी वाला होगा तो पनीर में जो मसाला है वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम ऐड कर देंगे इसके बाद इसमें पनीर के क्यूब्स, और इसको थोड़ी देर पकाएंगे क्योंकि पनीर को ज़्यादा देर पकाने से पनीर जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पकाती हूँ। यहाँ पे हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। पनीर ऐड करने के बाद इसको बस हम 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सारे मसाले को अब्सॉर्ब कर ले। तो बस इसके बाद हमारा पनीर भी बनके हो चुका है रेडी। याद निश्चय ही बने ना। तो यहाँ पे लाइट्स ऑन करनी थी और लाइट्स बंद कर दी। यहाँ पे हमारा आज का जो लंच है काफ़ी मज़ेदार हो गया, राजमा इतने ज़्यादा ऑसम इतने टेस्टी बने थे, मज़ा आ गया उनको खाने का। और फिलहाल कुछ नहीं करना है, किचन को थोड़ा सा क्लीन करना है वो थोड़ी देर तक करेंगे, और मूवी हमने जैसे ही स्टार्ट की देखना और वैसे ही लाइट जो है वो चली गई और थोड़ी सी मूवी स्टार्ट की थी हमें देखना, अभी फिर से आ गई है, अब जाके मूवी देखेंगे आराम से क्योंकि लंच वंच तो हो चुका है। तो ये था हमारा आज का छोटा मोटा सा ब्लॉग, अगर आपको पसंद आएगा आया होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब, और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।